आप जो चाहते हैं जौली साहब वो तो है, लड़की के बाप के पास बेशुमार पैसा है और फिर बाप की इकलौती बेटी भी है। हाँ बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं मगर ऐसा ही जरूरी है, पैसा हो तो खूबसूरत लड़कियां बहुत मिल जाती हैं। और ये रहा आपका चोर, चलिए पुलिस स्टेशन चलिए। मेरा पर्स मिल गया, कोई जरूरत नहीं। आपका मतलब इसको छोड़ दिया जाए, इसकी हर हालत में रिपोर्ट करनी चाहिए। चलिए पुलिस स्टेशन चलिए, प्लीज मैडम चलिए पुलिस स्टेशन। चल आइए मैडम। थैंक यू। साला जा रहे हैं आप? सुनिए सुनिए, पुलिस स्टेशन तो उस तरफ रह गया। सुनिए गाड़ी रोक दीजिए, रोक दीजिए गाड़ी। लेन देन के मामले में जॉली आदमी बहुत खरा है, किसी का उधार बाकी नहीं रखता। Come on!
मोतीराम जरा गाड़ी रोको, गाड़ी पीछे लो। बेटी बेटी तुम्हें कहाँ जाना है? आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। आओ बैठो गाड़ी में, आओ। चलो सब कुछ बता दिया। सोचा पुलिस स्टेशन जाने से पहले आपको ये सब कुछ बताना मेरा फर्ज है। आखिर मैं आपके घर के होने वाली। ठीक किया तुमने, बहुत समझदार हो तुम। मेरी सलाह मानो, पुलिस में जाने की कोई जरूरत नहीं। उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे, नाहक बेइज्जती होगी। सबूत वगैरह कुछ है नहीं, इसलिए तुम उसका कुछ बिगाड़ तो सकोगी नहीं। टीचर जब उछलेगा तो तुम्हारे चेहरे के साथ साथ हमारे कपड़े भी खराब होंगे। बेटे, इस घर का ख्याल तुम नहीं रखोगी तो और कौन रखेगा? जैसा आप कहें, मैं चलती हूं। सुनो जी, इस मामले का जिक्र तुम किसी से न करना। जी। ये आरती क्या कहने आई थी? सुमित्रा, ये शादी नहीं हो सकती। हो सकती ये शादी? मैं पूछती हूँ, शादी क्यों नहीं हो सकती? इसका मतलब है कि आपकी बेटी ने आपको कुछ नहीं बताया। वो क्या बताएगी? शादी आपने तय की है, सारी दुनिया में ऐलान आपने किया है कि आपका बेटा रवि पन्नल वर्मा की बेटी आरती से शादी कर रहा है, और अब आप सगाई तोड़कर मेरी बेटी को बदनाम कर रहे हैं। बदनाम हम क्या करेंगे मिसेस वर्मा, बदनाम तो आपकी बेटी की किस्मत कर रही है। हम अपने बेटे को किसी की झूठी थाली में तो नहीं खिला सकते। मिसेस वर्मा, वो लड़की हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती जिसकी इज्जत सरे बाजार लुट चुकी हो। Thank you.
इस मुल्क के लिए जान दे दी तुमने, इन लोगों के लिए जिनके लिए तुम शहीद हुए, उन्हीं कमीनों ने तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी। अरे लेकिन तुम्हें नहीं मालूम था हमारा असली दुश्मन कहां है, हमारे बीच, हमारे अंदर। तुमने धोखा खाया है मगर मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मुझे तुम्हारी कसम है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। खान चाचा सलाम। ओ जीती रहो बेटे, जीती रहो। अरे तुम्हारी चिट्ठी आई है। हाँ। ओ, संजू की होगी। संजू की है ना? हाँ। माँ, अरे माँ संजू की चिट्ठी आई है, लिखता है अब मेरी ट्रेनिंग खत्म होने में सिर्फ एक महीना रह गया है, मैं पक्का सोल्जर हो गया हूँ, मुझे अगर इस नेवी की यूनिफॉर्म में देखोगी तो पहचान नहीं पाओगी, अगले महीने से मैं भी घर कुछ पैसे भेज सकूंगा। अरे ये गोलियां यहाँ कैसे आ गई? माँ ये रिवॉल्वर, माँ माँ आरती, कोई ऐसी बात जिससे तुम्हारी माँ को कोई सदमा पहुंचे या तकलीफ हो उन्हें पता न लगे,